हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन अवर ओन यूट्यूब चैनल लर्न एंड ट्रेड। गाइस, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे प्लांट का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जो केमिकल्स से होता था, है ना। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हम लोग बताए, जो उसको हम लोग हार्मोन बोले थे, है ना, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिस एसिड, है ना, एथिलीन, ये सभी का बात किए थे पिछले क्लास में। उसको अभी तक नहीं देखे हैं कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होता है जो ह्यूमन में या बोल सकते हैं एनिमल्स में, वो टू टाइप्स होते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम के थ्रू हो सकता है और एक केमिकल के थ्रू हो सकता है। मैं शुरू में ही बताया था कि क्लास के जब शुरू किए थे तब भी बताया था मैं, है ना। तो देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एनिमल में केमिकल के थ्रू कैसे होता है, है ना। तो कोई भी जो मैसेज जो हमारे बॉडी में कुछ भी होता है उसका मैसेज हम लोग दो टाइप से जाते हैं। दो हमारे कैसे जाता है, टू टाइप से जाता है। एक तो कैसे जाएगा, एक तो न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, एक जाता है केमिकल के थ्रू, ठीक है। जो इसमें न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन वाला वो फास्ट होता है ना, मतलब जिसे बिजली का करंट होता है ना भाई, करंट होता है वो कैसे होता है, फास्ट से मूव करता है। लेकिन जो केमिकल्स होंगे, है ना, लिक्विड होंगे, वो कैसे होंगे, स्लोली मूव करेंगे। तो मैं सभी बताया था, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एक क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एनटीएससी के लिए तो और बेस्ट है, ना, एनटीएससी के लिए। तो यहाँ पर केमिकल्स होते क्या है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो केमिकल्स होंगे जो कोऑर्डिनेट करेंगे ह्यूमन को या भी कोई भी एनिमल्स में, तो जो केमिकल्स है वो क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं वो केमिकल्स, वो केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, वो केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स होते हैं, उस केमिकल को नाम क्या है, हार्मोन्स है। अब ये हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है, याद रखेंगे, हमेशा हार्मोन सिक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। कहां सिक्रेट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो ग्लैंड बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, ग्लैंड कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और सेकंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये पहले जानो। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होते हैं जहां से जो केमिकल सिक्रेट होगा उसको वहां पर हार्मोन नहीं बोलेंगे, वहां पर उसको ज्यूस बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे पैंक्रियास से निकलता है पैंक्रियाटिक ज्यूस, स्टमक से क्या निकलता था, पेप्सिन निकलता था, ये सभी क्या है भाई, एससीएल निकलता था। तो ये क्या है, सभी ये ज्यूस है। इसको क्या करते हैं, ट्यूब के थ्रू हम लोग क्या भेजते, मतलब जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्यूब के माध्यम से भेजते हैं। जैसे मैंने बोल दिया हमारे माउथ में, माउथ में तीन टाइप्स के क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब वहां से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, ना, सलाइवा निकलता है। तो वो यहाँ जैसे कान के पीछे है मेरा, है ना, एक होता है सबलिंगुअल, मैंडिबुलर, ये सभी बताया था, ठीक है। तो वो क्या करता है, सीक्रेट होता है, लेकिन कहां पर सीक्रेट होता है, ये माउथ में आकर सामने आकर खुलता है। क्यों, क्योंकि ये ट्यूब के माध्यम से जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो एक्सोक्राइन में ट्यूब के माध्यम से जाता है ना, ट्यूब उसमें यूज होता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जहां से एंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड के कहेंगे जहां से हार्मोन सीक्रेट होता है। कहां क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन। अब ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो ये हार्मोन कैसा होता है, ट्यूबलेस होता है। कैसा होता है, ट्यूबलेस। अब ट्यूबलेस का मतलब क्या समझेंगे, ट्यूबलेस का मतलब ये है कि इसको सीधा डायरेक्ट ब्लड में क्या कर दिया, छोड़ा जाता है। डायरेक्ट कैसे लिया जाता है, ब्लड में डाला जाता है, उसके बाद जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर वो चला जाए, क्योंकि बॉडी में सभी तरफ तो ब्लड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना। तो क्या करता है, ये ट्यूबलेस है, तो ट्यूब में ये बहता नहीं है, ट्यूब में ये बहता नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे जो हार्मोन्स होंगे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडो मतलब अंदर होते हैं, एंडो मतलब अंदर है ना, ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हार्मोन्स होंगे वो हार्मोन्स होते हैं, वो जो हार्मोन्स होते हैं वो एक प्रकार के प्राइमरी मैसेंजर होते हैं। कैसे होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर। अब प्राइमरी मैसेंजर का मतलब क्या समझ रहे, प्राइमरी मैसेंजर का मतलब ये है कि कुछ भी बॉडी में हलचल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैसेज जो ब्रेन के पास जाएगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर मैसेज भेजेगा। तो मैसेज किस फॉर्म में रहेगा, हार्मोन। तो हार्मोन को ही हम लोग प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं। जैसे मेरा बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरा बॉडी का ग्रोथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं क्या हूँ, ड्वार्फ हूँ, बौना हूँ, ठीक है। तो क्या करता है, अब क्या करेगा, वो सिग्नल किसको भेजेगा, मतलब बॉडी हमारा पूरा सिग्नल किसको भेजेगा, ब्रेन को भेजेगा। अब ब्रेन में एक ग्लैंड होगा, कौन सा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को
रिलीज करेगा। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो हमारे बॉडी क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। ऐसे ही होता है ना। तो हम चलो डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे जो ब्रेन है उसमें जो हमारे ब्रेन है या स्कल के अंदर बोलेंगे तो उसमें कितने ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड्स होते हैं। पहला क्या होता है, आप लोग ब्रेन को मैं जब पढ़ाया था वहां पर बताया था कि क्या क्या होते हैं वहां पर। तो ये पहला होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या होता है, हाइपोथैलेमस। सेकंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी ब्रेन में होते हैं। तीसरा होता है पीनियल ग्लैंड। क्या होता है, तीसरा होता है पीनियल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड होते हैं हमारे जो ब्रेन में होते हैं, खोपड़ी के अंदर होते हैं, हमारे जो खोपड़ी है उसके अंदर। ठीक है, अब उसके जस्ट नीचे आए तो यहाँ पर हमारे गले के पास, देखो गले के पास मतलब यहाँ पर हो सकते चेस्ट के पास हो सकते, बेसिकली उसको चेस्ट के पास। पहले बात करते हैं गले में क्या होता है, तो गले के पास होता है थायराइड ग्लैंड। क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। उसके जस्ट बैक साइड पीछे साइड क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, समझ गए, ये कहां पर होता है, गले के पास होता है। ठीक है, यहां पर होता है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो वो क्या होता है, उसके बाद थाइमस ग्लैंड होता है। क्या होता है, थाइमस ग्लैंड। देखो अभी इसका बता रहा हूं कि कौन कौन से ग्लैंड हमारे बॉडी में होंगे, है ना, इसके बाद डिस्कस इसको करेंगे, एक आपको करेंगे। ठीक है, उसके अभी ये हो गया थाइमस ग्लैंड। अब उसके बाद फिर से नीचे आते हैं तो हमारा होता है पैंक्रियास। क्या होता है, यहां पर लिखते हैं, उसके जस्ट नीचे आएगा फिर दिखेगा हमको पैंक्रियास। देखो यहां पर एक पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का ये ग्लैंड है। कैसा, ये एक्सो भी है प्लस ये एंडो भी है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके कारण इसको आप क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिक्स ग्लैंड, याद रखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, मिक्स ग्लैंड। उसके बाद देखते हैं हमारे जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर उसके सरफेस पर एक ग्लैंड पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं एड्रिनल, आपके बुक में सभी को दिया है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जो गोनाड्स होते हैं, है ना, मतलब मेल में क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएंगे। मेल में आता है टेस्टिस और फीमेल में आता है ओवरी। ठीक है, क्या होता है, ओवी। ये सभी क्या होते हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये मेल के लिए है भाई, है ना, ये किसमें में होता है, मेल में होता है, ये किसमें होता है, फीमेल में। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखना है। ठीक है सभी को, अब देखते हैं कि एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन में जाएंगे, पहले सबसे पहले बात किसको करेंगे, ब्रेन की। तो ब्रेन में हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको बात करेंगे फर्स्ट, किसको बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। इसको बात करेंगे हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस का हम सर सुने थे आप लोग, मैं भी ब्रेन के पढ़ाया था तो इसका फंक्शन भी बताया था, क्या होता है कि थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, ये सभी चीज बताया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होते हैं ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड को तो कंट्रोल करता है, साथ ही क्या करता है, ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। अब देखो कैसे कंट्रोल करेगा, मैं सभी चीज को बताऊंगा, पहले इसको देखते हैं। अब लोग सुने होंगे कि देखो दोनों को साथ में बता रहा हूं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों को साथ बता रहा हूं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, याद है कि सभी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, कुछ पता है, मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को क्योंकि हमारे बॉडी को जितने एंडोक्राइन ग्लैंड यहां पर बताया था उस सभी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ठीक है, ऑल जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऑल एंडोक्राइन
जो ग्लैंड्स है कंट्रोल किससे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी को ऑर्डर देखता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में एक प्रकार से क्या हो सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ग्रुप में आप लोग समझो, एक प्रकार से टीचर है ये आपका, जो क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर होते हैं आपके, वो होता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो और एंडोक्राइन ग्लैंड जो बोला वो क्या है बच्चे हैं, जो क्लास में बच्चे बैठे होते हैं वो बच्चे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे किसके कंट्रोल में होंगे, क्लास टीचर। लेकिन क्लास टीचर किसके कंट्रोल में होंगे, वहां की हेड मतलब हेडमास्टर जो प्रिंसिपल होंगे उसके कंट्रोल में होता है। तो यहाँ इसका प्रिंसिपल कौन हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, यह हो जाएगा उसका प्रिंसिपल, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेडमास्टर उसके हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल ये कर रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है, इसको कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो ये तो मास्टर ग्लैंड है, तो ये क्या हो जाएगा मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्या हो जाएगा, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हो जाएगा। ये मास्टर ग्लैंड का ही मास्टर है, मास्टर ग्लैंड बाप है, ये इसका बाप है और उसका बाप, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है इस प्रकार से। अब इसको देखते हैं, ये समझ गए, अब देखते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है कैसा होता है, समझ गए ना। अब हाइपोथैलेमस होता है कहां पर होता है, तो सभी को पता है। अब जो हाइपोथैलेमस होता है ये टू टाइप्स के हार्मोन रिलीज करते हैं, अभी कौन कौन से टू टाइप्स है इसको देखते हैं भाई। तो टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पहला होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं रिलीजिंग हार्मोन बोल सकते हो भी, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, समझ आ रहे ना। अब रिलीजिंग हार्मोन या जो बोला मैं रिलीजिंग हार्मोन बोला या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, हर चीज को स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है मतलब हर चीज को प्रमोट करता है बोल सकते हैं। प्रकार से ये प्रोमोटिंग हार्मोन है, कैसा हार्मोन है ये, प्रोमोटिंग हार्मोन है ये, ठीक है। किसी भी चीज को प्रोमोट करेगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन जैसे रिलीज हुआ, ठीक है। देखिए इसको पहले ठीक है, तो क्या था यहाँ पर, रिलीजिंग हार्मोन है ना। तो रिलीजिंग हार्मोन है, जैसे मैं बोला कि रिलीजिंग हार्मोन जैसे ये सीक्रेट किया, क्या किया, हर चीज रिलीजिंग हार्मोन होता है, हर में मतलब कोई भी हार्मोन रिलीज होगा उसमें नाम लगेगा रिलीजिंग। जैसे बोल दिया मैंने जी एच आर एच मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक, क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो हर में वर्ड में क्या लगेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो आर यहाँ पर लग जाएगा, आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा, देखो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज सीक्रेट होगा, ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा, यहां से जी एच आर एच के फॉर्म में क्या होगा, सीक्रेट होगा। अब जैसे ही इस फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, सीक्रेट होगा, तो ये इसको मैसेज किसको देगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को देंगे, किसको देंगे यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड को देंगे। अब जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल को लेगा तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा भैया, ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट कर देगा, किसको सीक्रेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करेगा। देखो मैं बताया था कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देगा, जीएचआरएच हार्मोन किसको मतलब मैसेज देगा, किस फॉर्म में, जीएचआरएच फॉर्म में, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो उसके अकॉर्डिंग फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। ऐसा क्यों किया जाता है, देखो टू टाइप कैसे होते, समझ गए, ऐसा ये क्यों करता है, देखो बॉडी में जैसे हमारे बॉडी का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, पूरा बॉडी मैसेज भेजेगा हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जीएचआरएच हार्मोन को रिलीज करेगा। अब जैसे जीएचआरएच हार्मोन को रिलीज करेगा तो क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, किसके पास जाएगा भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। अच्छा भाई ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चला गया, अब पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कौन, हाइपोथैलेमस, कि जीएचआरएच हार्मोन में भेज रहा हूँ भाई, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन में भेज रहा हूँ, आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है जिससे बॉडी का ग्रोथ हो सके, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार ग्रोथ हार्मोन, तो ये रिलीजिंग हार्मोन,
जो प्रमोट करेगा भाई कि हर चीज को मतलब बढ़ाएगा, बॉडी में हर चीज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब दूसरा हार्मोन क्या था, आपने बताया था इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। दूसरा क्या बताया था मैं, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, क्या बताया था, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इनहिबिटिंग हार्मोन का नाम से समझ आ रहा है, इनहिबिट करना, रोक देना, कम कर देना, ठीक है। तो मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, हर चीज को क्या कर देगा, रोक देगा, क्या कर देगा, रोक देगा। कैसे रोक देगा भाई, जैसे ही ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा, तुरंत फीडबैक भेजेगा, तुरंत क्या करेगा, फीडबैक भेजेगा ब्रेन को, फिर से हाइपोथैलेमस को, यहाँ से फिर से क्या करेगा, बॉडी से फिर यहाँ पर मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस कि भाई नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे, नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे भाई। और क्या बोलेंगे कि बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ गया, बॉडी उसको अब सह नहीं पा रहा है, बॉडी का हाइट बहुत ही बढ़ गया, पता चल रहा है 8 फीट हो गया, कैसे चल रहा है, पता चल रहा है 8 फीट हो गया, तो क्या करेगा, तुरंत मैसेज भेजेगा हाइपोथैलेमस को, फिर हाइपोथैलेमस GHRH हार्मोन को रोक देगा, फिर ये भी रुक जाएगा भाई। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो टू टाइप्स के हार्मोन कौन कौन से होंगे, समझ गया। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हो गया हाइपोथैलेमस की बात, ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात समझ गए, अच्छा भाई। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा क्या था अपना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, बता दिया मैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मास्टर, मास्टर ग्लैंड, क्या बोलते हैं भाई, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, मैं बता दिया, ठीक है, सभी जो ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है, इसका नाम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब मास्टर ग्लैंड इसको बोल दिया भाई। अब ये भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, बहुत सारे हार्मोन, मतलब बेसिकली बोले तो 7 टाइप्स के हार्मोन ये सीक्रेट करते हैं। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से भी हार्मोन सीक्रेट करता है और पोस्टीरियर से भी हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। अब देखते हैं जो हार्मोन ये सीक्रेट कौन कौन सा करते हैं, ये सभी स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, सभी स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करते हैं भाई। अब स्टिमुलेट वो देखो हार्मोन क्या किया था, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, स्टिमुलेटिंग, हर चीज को स्टिमुलेट करेगा। कैसे स्टिमुलेट करेगा, कि जैसे मैं बोला कि बॉडी में, मतलब बॉडी में क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया मतलब अब क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। अब क्या करेगा, मैसेज तुरंत किसको भेजेगा, जो बॉडी हमारा मैसेज किसको भेजेगा, ब्रेन को भेजेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा और उसको मैसेज भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर एक मैसेज भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर एक मैसेज भेजेगा किसको, पैंक्रियास को, क्या भेजेगा, पैंक्रियास को एक मैसेज भेजेगा कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, बीटा सेल को बोलो, जो पैंक्रियास के बीटा सेल होते हैं उसको बोलो कि इंसुलिन सीक्रेट करे, क्या करे, इंसुलिन, इंसुलिन को क्या करे, सीक्रेट करे, जिससे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो सके, इस प्रकार से ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सीक्रेट करता है, कौन कौन से स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो सकते हैं, जैसे बोल दिया मैं, जैसे कौन सा बोल दिया मैंने, पहले तो ग्रोथ हार्मोन तो सीक्रेट करता ही है ना, उसके बाद क्या होता है, टी मतलब थायराइड, एस मतलब स्टिमुलेटिंग, एच मतलब हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, है ना, और कौन कौन से होते हैं, पीआरएल भी सीक्रेट होता है ना, पीआरएल ये भी होता है और बहुत सारे होते हैं ना, एसीटीएस भी होता है, एसीटीएस भी होता है ना, ये सभी हार्मोन क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन रिलीज होता है, क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, ये याद रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा होता है वैसोप्रोसिन, इसको वैसोप्रोसिन के नाम से और जानते हैं, एडीएच, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। अब देखो, इन सभी का काम है, ये थायराइड पर काम करेगा भाई, ये बॉडी पर काम करेगा, ये पीआरएल है तो ये ब्रेस्ट पर काम करेगा, जो मिल्क प्रोडक्शन में करेगा हेल्प, ये किडनी पर काम करेगा, जो एड्रेनल ग्लैंड है वहां पर काम करेगा। ऑक्सीटोसिन कहां पर काम करता है, ऑक्सीटोसिन काम करता है कहां पर काम करेगा, यूटेरस में, कहां पर काम करेगा भाई, यूटेरस में, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन करता है ना, यूटेरस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बच्चा बाहर निकल सके, है ना, तो इसमें हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन का वर्क ये होता है कि ये क्या करता है, जैसे बॉडी में, बॉडी क्या कर रहा है, मतलब हमारे बॉडी मतलब किडनी क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूरिन क्या करता है, आउट कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है, तो क्या करता है, बॉडी क्या हो जाएगी भाई, डिहाइड्रेट हो जाएगी ना,
तो क्या करता है, ATX हार्मोन रिलीज होता है। ATX मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये सिक्रेट होगा और जो यूरिन आउटपुट जो बाहर निकल रहा है उसको क्या करता है, ये रोक देता है। तो ये प्रकार से ये क्या है, ये उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का काम, समझ गए। अब देखते हैं कुछ एक एक इसका हम बात कर लेते हैं, इसमें पिट्यूटरी का ये अगर एक हार्मोन की बात करें GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, अगर इसका लेवल बढ़ जाता है, अगर इसका लेवल बढ़ जाता है मतलब हाइपर हो जाता है, क्या होता है मतलब बढ़ जाता है, हाइपर क्या होता है ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना क्या हो गया, अधिक हो गया फायदा, तो उसे एक डिसीज हो जाएगा, उसका डिसीज का नाम बोलते हैं जेनेटिक नाम, मतलब बहुत ही बड़ा हो गया भाई, बहुत ही बड़ा हो गया। अब उसका एक होता है अगर इसका कमी हो जाए, क्या हो जाएगा, हाइपो मतलब क्या होता है कमी, हाइपो मतलब कमी हो गया, मतलब हाइपो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा ड्वार्फिज्म, मतलब वो व्यक्ति क्या हो जाएगा बौना हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्यक्ति क्या हो जाएगा बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं ग्रोथ हार्मोन इसमें रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ये तो कुछ समझ गए। अब थर्ड क्या था अपना, ब्रेन में किस थर्ड इमोशनल ग्लैंड थे, पीनियल ग्लैंड थे, थर्ड कौन सा था भाई, पीनियल ग्लैंड था। अब पीनियल ग्लैंड का वर्क क्या होता है हम लोग ये भी देखते हैं, पीनियल ग्लैंड का वर्क क्या होता है ये भी देखते हैं। तो पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, इस हार्मोन को बोलते हैं मेलाटोनिन, क्या होता है मेलाटोनिन, क्या सीक्रेट करता है मेलाटोनिन सीक्रेट करता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है हम जो सोते या जगते हैं, है ना, सो रहे हैं या हम लोग जग रहे हैं, है ना, तो इसका सभी का चीज का कंट्रोल कौन करता है, कौन करता है, ये पीनियल ग्लैंड करता है, कौन करता है पीनियल ग्लैंड करता है, याद रखेंगे। तो पीनियल ग्लैंड किसको करता है, जो हम लोग सो रहे हैं जाग रहे हैं, है ना, लाइट का पता चल रहा है, जैसे हम लोग सो रहे होते हैं लाइट को अचानक ऑन कर दिया कोई, तो हमारा माइंड तुरंत पता चल जाता है कि हाँ लाइट ऑन हो गया है, क्यों, क्योंकि हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है उस टाइम, कि हमारा माइंड सोचता है कि लाइट बंद करे बिना हम लोग क्या करते हैं सो नहीं सकते, है ना, किसी को सोने लाइट को चालू करके ही सोने की आदत होती है, किसी को बंद करने, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन क्या हो जाता है सेटल हो जाता है ना भाई। तो ये उस प्रकार से होता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं भाई, देखो सभी को डिस्कस कर रहे हैं, सभी ग्लैंड का फंक्शन याद रखेंगे सभी का। उसके बाद था हमारे था क्या था भाई, उसके बाद गले में आ गए, गले में आ जाते हैं, उसके बाद था उसमें थायराइड ग्लैंड, क्या था भाई थायराइड ग्लैंड, अच्छा भाई। अब जो थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड जो ग्लैंड है वो कहां पर था, अपने गले में था। अभी गले में जो है इसमें कितने ग्लैंड होते हैं, उसके इसमें दो लोब होते हैं, जैसे कि गले में इस टाइप का ये पाया जाता है, ठीक है, इस टाइप का ये गले में पाया जाता है, एक साइड दोनों साइड ऐसे जो गला है हमारे उसके जो दोनों साइड ऐसे पाया जाता है। अब देखोगे ये दोनों साइड पाया जाता है। अब ये जो थायराइड जो ग्लैंड होता है ये हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन, क्या बोलेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसका भी तो कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखो इधर एक थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ये जो प्रोटीन नेचर का होता है, कैसा नेचर का होता है, ये प्रोटीन नेचर का होता है। एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसको बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, इसको भी याद रखेंगे, थायरोकैल्सिटोनिन ये भी सीक्रेट करता है। अब इसका पहले फंक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे बॉडी का जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जैसे फैट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, किसको बोलते हैं फैट मेटाबॉलिज्म में ये कैसे हेल्प करते हैं कि जो हमारे जो फैट होते हैं उसको ये क्या करता है मेटाबोलाइज करता है। अगर ये हार्मोन ठीक से सीक्रेट नहीं होगा तो हमारा जो फैट है या फिर बहुत ही बढ़ जाएगा या फिर बहुत ही कम हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल से ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना मोटा है या कोई आदमी कितना पतला है, क्योंकि फैट जमा हो जाने से क्या हो जाता है व्यक्ति मोटा हो जाता है, है ना, फैट कम हो जाने से पतला हो जाता है, ठीक है, ये हो गया समझ आ गया। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन उस सीक्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसको भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है तभी सीक्रेट होगा बोलता है, तो इसको रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की, इसके रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की। अभी आयोडीन हमको मिलता क्या है, हम लोग जो सॉल्ट लेते हैं नमक खाते हैं आयोडीन युक्त होता है वो नमक, है ना, जो सॉल्ट होता है वो, तो आयोडीन युक्त हमको नमक खाना चाहिए, तो हमको कहा मिलता है उससे आयोडीन हमको
मिल जाता भी। ठीक है, ये हो गया। अगर अगर इस हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो हमको क्या हो सकता है, डिसूस हो सकता है। जैसे इसकी हार्मोन की क्या होगा, अगर कमी हो जाएगी तो हमारा जो थायराइड है उसका ग्लैंड क्या होता है, साइज बढ़ जाता है, फूल जाता है यहाँ पर, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं, नाम सुने होंगे, ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है, तो कब हो जाता है, जब इसकी कमी हो जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा, देखिए इस हार्मोन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, उसके बाद उसको बोलते हैं डिसीज को ग्वाइटर। ठीक है, अब ये तो इसका समझ आ गया। अब ये टीसीटी जो थायरोकैल्सिट्रोनिन बोले थे, ये इसका, ये थायरोकैल्सिट्रोनिन क्या करते हैं, जो बॉडी में कैल्शियम प्लस आयन होते हैं, कैल्शियम होते हैं हमारे बॉडी में, कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसी के कारण, कैल्शियम के कारण हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसके मसल्स में, है ना, मसल्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बॉडी को कैल्शियम जरूरत होती है भाई, तभी तो हम कैल्शियम की गोली खाते हैं, खाते हैं। तो कैल्शियम का लेवल क्या करता है, ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, मतलब मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, जब पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब समझ आएगा। अभी ये कैसे करता है, इतना याद रखेंगे, कैल्शियम के लेवल को नियमित मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। कैसे बैलेंस करता है, ये डिक्रीज करके बैलेंस करता है। ठीक है, बॉडी में अगर बढ़ जा रहेगा तो ये कम करता है। ठीक है, ये समझ आएगा थायराइड ग्लैंड। उसके बाद देखते हैं हम पैराथायराइड जो ग्लैंड है ना, क्या भाई, जो पैराथायराइड जो ग्लैंड है मेरा, पैराथायराइड ग्लैंड में देखते हैं कि क्या होता है। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है कहां पर पाया जाता है, ये भी पता रहना चाहिए भाई, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो पैराथायराइड ग्लैंड है हमारा, जो थायराइड जो ग्लैंड है, ऐसा बताया था अभी, है ना, थायराइड ग्लैंड था, इसके पीछे साइड, इसके बैक साइड, पीछे साइड क्या होता है, एक एक जो लोब है यहाँ पर, एक एक लोब में इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, नंबर कितना होता है इसका, टू। तो टोटल आप बोलेंगे, टोटल बोलेंगे तो इसका अमाउंट मतलब कितना नंबर हो जाएगा, फोर। इसकी संख्या कितनी होती है, कितना होता है भाई, चार होती है, कितनी होती है, चार होती है। अब देखते हैं इसकी संख्या क्या होगी, चार हो गई। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, चार है। अब इसका काम क्या होता है, ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। ये कैसे करता है, कैल्शियम के लेवल को ये भी मेंटेन करता है। अब कैल्शियम के लेवल को कैसे मेंटेन करता है, ये कैसे कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करेगा, जैसे हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल कम है फिलहाल अभी, तो कैसे हम बाहर से कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट बाहर ही नहीं निकल पा रहे, है ना। जैसे हमारे बॉडी, हमारे जो बोन्स है, हमारे जो बोन्स है उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, होता है कैल्शियम। ठीक है, तो जो कैल्शियम की टेबलेट देते हैं वो बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। अब वहां से क्या करता है, पर बोन से जितना भी कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। अब उसका लेवल बॉडी में, मतलब बॉडी में मतलब ब्लड में, इसका लेवल क्या हो जाएगा, कैल्शियम का बोन से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कैल्शियम का लेवल की बॉडी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे जो जो नेफ्रॉन में मतलब एक्सक्रीशन सिस्टम है, तो हमारे जो किडनी होता है वहां पर भी एब्जॉर्प्शन का काम चल रहा है। अगर वो वहां से सिक्रीट होता है, है ना, सिक्रीट होता है, कैल्शियम भी बाहर निकल जाए, अगर उसको भी सिक्रीट नहीं होने दे रहा है, उसको भी एब्जॉर्ब कर ले वहां पर, तो क्या होगा, बॉडी में इसका लेवल पूरा ही क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा मतलब कैल्शियम का लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। अब मैं बताया था जो थायराइड ग्लैंड में टीसीटी था वो क्या कर रहा था, कम कर रहा था। तो ये दोनों हार्मोन जो क्या होते हैं, पैराथायराइड जो हार्मोन्स है और वो टीसीटी है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं, मतलब मेंटेन करते हैं भाई। टीसीटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये बढ़ाता है। अगर ये बढ़ जाएगा तो ये सीक्रेट होगा, कम कर देगा, ये कम हो जाएगा तो इसको बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से बॉडी में क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल का। अच्छा भाई, अब थायराइड ग्लैंड हमारे गले का हो गया भाई, अब कहां पर आ गया, गला हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे जस्ट चेस्ट में आते थे, हम क्या देखते थे वहां पर, क्या देखते थे भाई, थाइमस ग्लैंड। अच्छा भाई, अब जो थाइमस ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करता है। अब एक इसका वर्क क्या होता है, इसको देखो, ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट क्या करता है, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट हो सकते, इसी को लिम्फो टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में लिम्फ होते हैं ना, लिम्फ होते हैं, लिम्फोसाइट सिस्टम होते हैं, एक होता है टी सेल होता है, एक होता है बी सेल। जो टी सेल का वर्क क्या होता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना।
अभी जैसे इसका लेवल हमारे बॉडी में टी सेल का लेवल कम हो जाएगा तो हम कोई भी टी सेल आसानी से हो सकते हैं, कोई भी वायरस हमारे बॉडी में आसानी से अटैक कर लेता है। ठीक है, तो जो अभी कोरोना का सीजन चल रहा है ना, अगर किसी के व्यक्ति के ना कोई पर्सन के में तो अगर टी सेल की जो संख्या है नंबर वो क्या होगा कम होगा तो हमारे इम्यूनिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, और ये भी उसी में हेल्प करता है, और WBC है ना, WBC होता है ये भी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इसके भी नंबर कम होगा तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब ये टी सेल हो गया, ये देखो इस थाइमस ग्लैंड का ये खासियत ये है कि ये जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, क्या होता है एज बढ़ते जाता है इसकी साइज क्या होती जाती है डिक्रीज हो जाती है। मतलब एक ओल्ड व्यक्ति है ना, एक ओल्ड व्यक्ति है पर्सन है उसका अगर थाइमस ग्लैंड की बात करें और एक जो एडल्ट है उसकी बात करें तो उस दोनों में साइज में क्या होगा डिफरेंट होगा। इसी कारण इसीलिए इसका साइज कम हो गया मतलब थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होना कम हो जाएगा। तो इसी कारण इसकी जो ओल्ड व्यक्ति की क्या हो जाती है इम्यूनिटी क्या हो जाती है भाई इम्यूनिटी इसकी कम हो जाती है, इम्यूनिटी इसकी क्या हो जाती है डिक्रीज। इसी कारण इसको मतलब ओल्ड व्यक्ति को मतलब डिसीज को भी आसानी से हो जाता है। इसीलिए बोल रहे थे ना कि ओल्ड व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना चाहिए है ना, कोरोना का सीजन चल रहा है तो ये सभी इसीलिए बोलते हैं भाई है ना, क्योंकि इसको आसानी से हो सकता है इसीलिए इसको टीका पहले लगाया गया। ठीक है, अब समझ गए थायमस ग्लैंड, अच्छा भाई थायमस ग्लैंड समझ गए। अब उसके पास कौन सा ग्लैंड था, कौन सा ग्लैंड था वहां पर आ गया। अब यहां पर आ जाता है पैंक्रियास, ठीक है, या पैंक्रियाटिक ग्लैंड बोल दिया भाई। ठीक है, तो पैंक्रियास में मैं बताया था कि इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते थे मिक्स ग्लैंड बोलते थे। अब मिक्स ग्लैंड भी बोलते थे, मैं बताया था कि मिक्स ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों के रूप में काम करता है। ठीक है, समझ आ गया। अब ये इसमें जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड होते हैं मतलब पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड है उसमें क्या होता है, क्या होता है भाई इसलिए टू टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। देखो डिटेल में नहीं पढ़ना है हम लोग को है ना, हम लोग इतना पढ़ना है कि इसका वर्क क्या होता है, कौन से सेल्स होते हैं, कौन क्या सीक्रेट करता है, ज्यादा डिटेल लेवा की पढ़ना है। ठीक है, इसमें टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा सेल एक होता है बीटा सेल। क्या होता है, एक अल्फा सेल एक होता है बीटा सेल। अब ये अल्फा सेल का वर्क क्या होता है, अल्फा सेल का वर्क ये होता है कि ये सीक्रेट करता है ग्लूकागॉन, क्या सीक्रेट करता है ग्लूकागॉन। और बीटा सेल क्या कर सकता है भाई इंसुलिन, जो शुरू में बताया था कि कैसे मैसेज भेजता बताया था ना कि बीटा सेल फिर इंसुलिन सीक्रेट करता वही है। तो इंसुलिन क्या करता है और ग्लूकागॉन पर करता है। देखो जो इंसुलिन होता है पहले इसको देखें ग्लूकागॉन, ये ग्लूकागॉन क्या करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, क्या करता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और ये इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है कम करता है। ठीक, कैसे करता है, जैसे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, बाय द वे क्या हो गया ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ये क्या करता है जो अल्फा सेल होता है ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी मतलब जो भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है उसके ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करते हैं लीवर में स्टोर करके रख देते हैं। अब पता चले कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो क्या करता है ये ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है और ग्लाइकोजन क्या करता है तोड़ देता है और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है और बॉडी में फिर इसका लेवल बढ़ गया। अगर ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा फिर से इंसुलिन सीक्रेट होगा, बीटा सेल बोलेगा इंसुलिन सीक्रेट करो, इंसुलिन सीक्रेट होगा फिर इसका मतलब जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या कर देगा फिर से डिक्रीज कर देगा। तो इस प्रकार का इसका एक फंक्शन। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया, इसका भी समझ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा है। देखो सभी ग्लैंड कहाँ पर है प्रेजेंट होते हैं सभी को पता है ना, मैं दिखा दिया था बता दिया था। अब उसके बाद जो कौन सा ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होता है पता है सभी को, जैसे ये मेरा किडनी है, ये मेरा किडनी है तो इसके किडनी के ऊपर में पाया जाता है भाई एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये है पाना एड्रिनल ग्लैंड, ये मेरा है किडनी है। ठीक है, ये मेरा क्या है किडनी है भाई। ठीक है, अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं इसके टू पार्ट्स होते हैं, बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके टू पार्ट्स होते हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो सरफेस वाला है मतलब आउटर जो पोर्शन है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो इनर सरफेस जो इनर पार्ट्स है इनर पार्ट्स है उसको बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, क्या बोलते हैं मेड्यूला। अब ये जो मेड्यूला होते हैं इसका इम्पोर्टेंट रोल है ना, मेड्यूला का इम्पोर्टेंट रोल है। ये जो मेड्यूला होते हैं ये क्या होते हैं जो मेड्यूला होते हैं, क्या होते हैं मेड्यूला होता है ये टू टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कितने टाइप के टू टाइप्स के, एक होता है एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं उसी को हम लोग एड्रिनिन, चलो एपिनेफ्रिन लिख लेते हैं एपिनेफ्रिन, और इसको बोलते हैं नॉन
एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट करता है, ये नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन, इसको एड्रेनलिन हार्मोन भी बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से ही आता है, एड्रेनलिन हार्मोन उसी को बोलते हैं और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन इसको बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों हार्मोन सीक्रेट कब होते हैं याद रखेंगे, ये दोनों हार्मोन हमेशा सीक्रेट होंगे फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में। जब हम फाइट करते हैं किसी के साथ फाइट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम ये हार्मोन सबसे ज्यादा सीक्रेट होगा, या फिर हम लोग दौड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेसफुल वर्क कर रहे हैं कुछ भी, है ना, जिसके कारण हमारे क्या हो रहे हैं, पसीना आ रहा है या बीपी हमारा बढ़ गया, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, तो उस कंडीशन में ही एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होता है। जैसे ही हार्मोन रिलीज होंगे फिर हमारा जो बॉडी का जो बीपी बढ़ गया है, जो भी बढ़ गया है ना, उसको क्या करता है, ये कम करने का, मतलब शांत हो जा भाई, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का ये वर्क होता है, समझ गए इसको। अब ये एड्रिनल ग्लैंड समझ गए, अब ये हमारा दो ग्लैंड और बच गया, कौन कौन सा है भाई, जो उसका उसको तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है अपने को, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सा ग्लैंड था अपने पास, टेस्टिस था। अब ये टेस्टिस होते हैं, ये मेल ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अब इसका काम होता है क्या होता है, देखो ये क्या करता है, इसमें होता है, इसमें एक ट्यूब पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, होता है क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इसे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ये क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, इसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई, एंड्रोजन हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसको क्या क्या कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसको हम लोग बोलते हैं, ये सीक्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे बॉडी में हलचल होता है, जैसे दाढ़ी का आना है ना, आवाज का भारीपन होना, ये सभी इसी के कारण होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, ये मेल में होता है। ठीक है, क्या होता है, मेल में होता है। उसके प्रकार फीमेल की बात करें, अगर फीमेल, इसका ज्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं पढ़ना है हमको, जो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो होता है ना, रिप्रोडक्शन कैसे करना है उसमें पढ़ेंगे, है ना, इसी कारण यहाँ पर नहीं बता रहा ज्यादा। अब भैया उसके बाद होता है ओवरी, जो ओवरी होता है ये फीमेल क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब ये क्या करता है, ओवरी भी हमारे टू टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कितने टाइप्स के, टू टाइप के, पहला होता है क्या होता है, एस्ट्रोजन, और दूसरा क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कहां से सीक्रेट होता है, जो हमारे फल मतलब जो फीमेल्स में ओवरी होता है ना, ओवरी, जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है जिसमें बहुत सारे ऐसे ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ऐसे पूरा क्या पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब नहीं बोलते हैं इसको, कुछ और दर ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब तो बाहर होता है भाई। तो ये ट्यूब्यूल क्या करता है, फिर ये हार्मोन को क्या करता है, ये सीक्रेट करता है। अब जैसे ही हार्मोन को सीक्रेट करेगा तो क्या करता है, बॉडी में जो फीमेल्स में जो बोला ना अभी कि आवाज का भारीपन होना है ना, ये सभी क्या होते हैं, फीमेल्स में कैरेक्टर होते हैं जो इस हार्मोन के सीक्रेट होने से ये सभी होते हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने ही वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड थे है ना, जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से, ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इस प्रकार से पारा हमारा जो चैप्टर है वो हमारा क्या होता है भाई, दाइंड होता है, खत्म होता है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।